पाल्टन का डिफेंस और ये पॉइंट क्या गिरीश अमला के नाम जाएगा पवन कादियान इस वक्त रेड पर बेहतरीन डैश और ब्रजेश इनकी हाइट देखिए मेरी आपकी मिला दे तो मंजीत बनेंगे और ये उसका फायदा हाइट का फायदा ऐसे लेते हैं धन्यवाद एक डिफेंडर को अंदर लाया गया है यहां पर सुपर टैकल लियाने के दो पॉइंट्स मिलेंगे पुनेरी पल्टन को सब्स्टिट्यूशन का फायदा हुआ भाई जिस खिलाड़ी को अभी अभी कोच ने टीम में शामिल किया था उसी ने काम कर दिया है मंजीत का करियर देख ले 89 रेड पॉइंट दो सुपर टेन पिछले साल पटना में थे इस बार पुनेरी पल्टन में आए हैं और ये है जबरदस्त सुरजीत राइट कॉर्नर में लेफ्ट में है दीपक यादव जो कि डेब्यू कर रहे हैं क्या सुरजीत अटैक करेंगे सुरजीत के अटैक करने से पहले नवीन ने अटैक किया रातन को देखिए जर्सी नंबर 7 राइट कॉर्नर ये ऐसा खिलाड़ी है जो आपको लेफ्ट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर ने ही बाजी मारी है बहुत बढ़िया डबल टाई होल्ड जिन लोगों को नहीं पता वो इंटरनेट पे जाके 2006 एशियन गेम्स का फाइनल देखें उस पे मैं आऊंगा यहां भी डू और डाई और फिर से मंजीत मंजीत के सामने कुलदीप थे और जैसे ही उन्होंने किक लगाई वो हवाई उन्होंने एंकल होल्ड कर लिया एरियल एंकल होल्ड कर लिया ये देखिए हवा में लपक लिया नेरी पल्टन जैसा कि मैं कह रहा था 7 गेम से कम पॉइंट से हारेगी तो एक पॉइंट इस मैच से मिलने के पूरे चांसेस है और यहां पर नेरी पल्टन का डिफेंस अपने कोच की हिदायत पर खरा उतरता हुआ सेल्वा मनी पर लूज ना खेलता हुआ सेल्वा मनी बेंच पर ढाई मिनट बचा हुआ क्रॉस कर गया मिड लाइन बहुत अच्छा रेड है ये क्या अब भी वापसी हो सकती है और ये सुपर टैकल का नमूना है सुपर टैकल के क्योंकि दो पॉइंट मिलते हैं जो लीड हरियाणा की 7 की बनी थी वो अब 9 की हो गई है यानी अगर स्कोर यही रहा तो पुनेरी पल्टन को पॉइंट्स टेबल में एक अंक भी नहीं मिलेगा राकेश के चेहरे की मुस्कान देखिए अब चेहरा न्यूट्रल नहीं है खुशी आ गई है ऊपर राकेश लाइव है नीचे लाइव रेड है आखिरी रेड अब राकेश विश्वास नहीं कर सकते एज अ कोच जो पहला मैच उन्होंने खिलवाया हरियाणा स्टीलर्स को वो उन्होंने 10 पॉइंट के बड़े मार्जिन से जीता है अब राकेश की आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहे हैं हमें ये खुशी के आंसू हैं जो उन्होंने अपने जिगरी दोस्त अनूप कुमार को एज अ कोच हराकर अर्जित किए हैं